भाई हमारे यहाँ तो इंडिया में एवरेज आदमी क्या खरीदता है, मतलब मिडिल क्लास आदमी 50 लाख 60 लाख 70 लाख का NCR वगैरह में खरीद लेता है घर, खुश बम बम कि बहुत बढ़िया घर खरीदे। 2-3 करोड़ रुपए का फ्लैट कोई खरीद ले तो बहुत बहुत आलिशान फ्लैट होगा भाई, 2-3 करोड़ का खरीदा है। गृह प्रवेश में लोग इसी बात पे चले जाते कि देखे 2-3 करोड़ का फ्लैट होता कैसा है। मुंबई में जो लग्जरी फ्लैट होते हैं उनकी कीमत 20-25 करोड़ रुपए तक जाती है। लेकिन आपको ऐसे फ्लैट्स के बारे में बताता हूं जिसके सामने दिल्ली मुंबई के फ्लैट्स की कीमत भी चिल्लर लगेगी। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी कीमत होगी। और यह भी ध्यान रखिए कि इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े देश इस समय टाइट हालत में, मंदी की मार है, यूक्रेन युद्ध का बुरा असर है, अमेरिका ब्रिटेन रूस चीन जैसे देशों की इकोनॉमी बैठ गई, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल बैंक तक कंगाल हो गए, लोग सेविंग पर बहुत फोकस कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच एक शहर ऐसा है जहां प्रॉपर्टी के रेट आसमान नहीं बल्कि अंतरिक्ष छू रहे भाई। इस शहर का नाम है दुबई, जहां पिछले 1 साल के अंदर प्रॉपर्टी के रेट लगभग 50% बढ़ गए हैं। हैरानी तो आपको अब यह सुनकर होगी कि यहां एक ब्रांडेड अपार्टमेंट का रेट 450 करोड़ रुपए पहुंच गया है और इनकी बुकिंग भी हो रही है। ऐसा नहीं कि 450 करोड़ रुपए सुनकर लोग कह रहे हैं दिमाग का इलाज करो, 450 करोड़ का फ्लैट होता है, नहीं बॉस लोग बुक कर रहे हैं। पहले आपको यह बता दूं कि 450 करोड़ में कितने जीरो लगते हैं। हमारे यहां तो 450 करोड़ का फ्लैट जो है उसमें जीरो में ही गिनने में जो है 3 दिन आदमी लगाएगा, जीरो ठीक लगाएंगे नहीं। 450 करोड़ के फ्लैट में 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 और उसके बाद 3 0 और, यानी कुल 8 0 लगाइएगा तो आप 450 करोड़ का फ्लैट खरीद के हीरो नजर आइएगा। ये 450 करोड़ का अपार्टमेंट दिखेगा कैसा भाई, ये तो नहीं मालूम क्योंकि कंपनी ने डिजाइन को अभी आउट नहीं किया है। लेकिन अभी आपको दुबई का ऐसा विला दिखाता हूं जिसकी कीमत 147 करोड़ रुपए, मतलब इसका एक तिहाई जो 450 करोड़ वाला, तो जो एक तिहाई वाला है वो कैसा महल है वो देखिएगा तो आपको 450 करोड़ वाला समझ आ जाएगा। अंदाजा लगा लीजिएगा कि भाई इससे 3 गुना बेहतर तो होगा ही। ये 147 करोड़ वाला भी क्यों इतना महंगा है, क्योंकि इसमें गोल्ड की कोटिंग की गई, यानी सोने से मढ़ा गया है। ये जो आप दीवार पर पीला पीला देख रहे हैं ये पीला पेंट नहीं है बॉस, ये गोल्ड है। 147 करोड़ रुपए का ये घर है, सोना लगा दिया दीवार में। उस फ्लैट में क्या हीरे जड़ेंगे जो फ्लैट दुबई में 450 करोड़ रुपए का ही खरीदा गया है, भगवान जाने। सोना लगा घर 147 करोड़ का, और इस विला के एक एक हिस्से को बहुत बारीकी से तैयार किया गया है। इसमें रहने वाले इंसान को राजा जैसी फीलिंग आएगी। आप सोच रहे होंगे कि 450 करोड़ में तो दिल्ली के लुटियंस में बंगला मिल जाएगा, अरे बंगला तो क्या क्या नहीं मिल जाएगा। बाहर से कैसा दिख रहा है वो देखिए, कैसा अपार्टमेंट होगा, ये है अपार्टमेंट। सब जगह ये लोग सोना लगा, लिफ्ट में सोना, दीवार पे सोना, ये इतना सोना इंडिया में घर में लगा देंगे तो आदमी का सोना मुश्किल हो जाएगा कि कौन मेरा दीवार कुरेद के ले जा रहा है। गेस्ट आया तो CCTV ही देख रहे हैं कि उधर चाय लाने गए गेस्ट ने दीवार तो नहीं कुरेद दी। मुंबई में बैंड्रा और जुहू जैसे इलाके में भी इस कीमत में बंगला मिल सकता है, यहां तक कि न्यूयॉर्क जैसे सबसे महंगे शहर में भी इस कीमत पर शानदार विला आ सकता है। लेकिन इसके बाद भी लोग दुबई जैसे शहर में इतनी महंगी प्रॉपर्टी क्यों खरीद रहे हैं, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको दुबई में प्रॉपर्टी के रेट कितने बढ़े हैं वो बता देता हूं। दुबई में प्रॉपर्टी जो बिकी 2021 में, अब आप सुनिए, सुन के कान से धुआं फेंक देगा बॉस, खैर गर्मी का दिन है पंखा चलेगा तो धुआं इधर उधर हो जाएगा। दुबई में प्रॉपर्टी 2021 में कितने की बिकी आपको पता है, 260,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बिकी है। 1 साल में 260,000 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली लोगों ने। और 2022 में कितनी बिकी भाई, और ये भी वो कोरोना का काल चला जिसमें लोग सोच रहे थे पैसा लगाएं नहीं लगाएं, क्या होगा, जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे, तो वहां क्या हुआ कि पैसा थोड़ा रेट उस वक्त गिरा तो लोगों ने खरीद लिया भर भर के। 2022 में 5,90,000 करोड़ का प्रॉपर्टी बिकी, मतलब ऑलमोस्ट जो है ये 60% का जंप है,
60% का जंप आ गया। 60% क्या हुआ, उससे ज्यादा ना हुआ जी, 260,000 है तो ये तो उससे भी ज्यादा हो गया, दोगुना से ज्यादा हो गया। डिमांड की वजह एक साल में नए मकान जो हैं वो 45,000 जो है वो बने। दुबई में विला की औसत कीमत 2021 में करीब 13 करोड़ रुपए थी, जो 2022 में 16 करोड़ हुई और 2023 में 20 करोड़ रुपए हुए। इतने का तो लोग विला खरीद रहे हैं। और अगर आप विला रेंट पर लेने जाइएगा तो 2022 में 53 लाख रुपए रेंट था, 2023 में ये बढ़कर 65 लाख रुपए। वहां सामान्य फ्लैट का रेंट जो है वो 2022 में 8 लाख रुपए था, 2023 में 10.5 लाख रुपए हो। और दुबई की आबादी कितनी है, करीब 35 लाख, 2040 में ये बढ़कर 58 लाख होने की उम्मीद। और इसमें भी बड़ी संख्या में लोग बाहर के हैं जो वहां काम करने गए हुए। अच्छा, किराया तो भूल जाइए, नौबत ये आ गई है कि मकान मालिक इतना किराया बढ़ा रहे हैं कि किराएदारों को अपार्टमेंट छोड़कर छोटे मोटे फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको दुबई के एक और ब्रांडेड अपार्टमेंट का सैंपल वीडियो दिखाता हूं। इसका नाम है, अपार्टमेंट का नाम है बल्गारी लाइट हाउस। 5 कमरे वाले इस अपार्टमेंट की कीमत 356 करोड़ रुपए, और ये दुबई के सबसे पॉश इलाके में से एक है, डाउनटाउन के इलाके। इस इलाके की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी है, जो इस अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को दिखाई दे। यानी जब कोई यहां रहने वाले लोगों से एड्रेस पूछेगा तो कहेंगे बुर्ज खलीफा के ठीक सामने। अच्छा, डाउनटाउन दुबई के सबसे महंगे इलाकों में से एक है, इसलिए इसकी कीमत सबसे ज्यादा है। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि इसे दुनिया के सबसे बड़े फैशन ब्रांड्स में से एक बल्गारी ने बनाया है, बना रहा है। ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स पिछले कुछ समय से रियल स्टेट में भी आ गए हैं, जो पहले होटल तक सीमित थे वो अब सुपर लग्जरी घर बनाने लगे। फिलहाल दुबई के डाउनटाउन इलाके में किस तरह के अपार्टमेंट्स हैं उनकी तस्वीर देखिए। यहां अपार्टमेंट की छत की ऊंचाई हमारे यहाँ के फ्लैट की तरह 10 फीट की नहीं होती, यहां छत ही 30 फीट ऊपर होता है भाई। अपार्टमेंट का साइज करीब 10 से 15 हजार स्क्वायर फीट होता है। बालकनी में बड़ा स्विमिंग पूल और बहुत सारी लग्जरी सुविधाएं मिलती। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने वालों में एक बड़ी संख्या भारतीयों की भी है। दुबई में इंडियन इन्वेस्टर्स, भारतीयों का जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है वो 2021 में करीब 20,000 करोड़ रुपए के घर भारतीयों ने खरीदे और 2022 में घर खरीदे 35,000 करोड़ रुपए। जो भारतीयों ने फ्लैट खरीदे उसके फ्लैट की रेट था करीब 3-4 करोड़ रुपए का किराया मिल रहा है उनको। 3-4 करोड़ का फ्लैट खरीदा और किराया 3-4 लाख रुपए मिल रहा है। इनमें ज्यादातर लोग दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, गुजरात के रहने वाले हैं। दुबई में प्रॉपर्टी लेने की दूसरी वजह यह भी है कि यहां प्रॉपर्टी की कीमत के बदले में 10% का रिटर्न आराम से मिल जाता है। ये एक अच्छा रिटर्न माना जाता है। आज दिल्ली जैसे शहर में 1 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट पर 1 लाख रुपए का किराया मिलना बहुत मुश्किल है। दुबई में पिछले कुछ साल में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने की सबसे बड़ी वजह रूस यूक्रेन युद्ध है, क्योंकि इससे रूस से और दुबई और दिल्ली में जो अंतर अगर आप देखेंगे, वो जिस तरह का क्राइम में अंतर है, जिस तरह का अगर आप देखेंगे कि भाई AQI में क्या अंतर है, वो सारी चीजें आपको नजर आएंगी।